नमस्कार दोस्तों, मैं रिप्ति रमन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग पे। आज मैं एक और यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे आप सभी को ब्लॉग लेकर आया हूँ। अल्टीमेट ब्लॉग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी बिल्कुल मैं हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल गवर्नमेंट जो कॉलेज है नियर चौक मंडी में है, जो AMRU जहाँ पर आपकी काउंसलिंग्स होती है, MBBS की होती है, आपकी BDS की काउंसलिंग यहाँ से होती है, BSC नर्सिंग की यहाँ से हो रही है आपकी, और BSC पैरामेडिकल आयुर्वेदा की आपकी यहाँ से हो रही है। बिल्कुल काउंसलिंग प्रोसीजर को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। आपकी जो कल BSC नर्सिंग काउंसलिंग्स होनी है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लेने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पर्सनल काउंसलिंग में भी ज्वाइन है, उनको भी थोड़ी हेल्प यहाँ मिलने वाली है। अभी जैसे आप बाइक साइड पे हमें देख रहे हो ना, ये आपका गेट है, यहाँ से इंट्रांस है, तो यहाँ से आगे आपका NH है, ठीक है, जो NH आपका मनाली शिमला NH है, मनाली चंडीगढ़ NH आपका यहाँ पे है। और तो इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपका OPD है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे OPD है। और यहीं पे अगर बात करें तो बैक साइड पे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यहीं पे नर्सिंग की क्लासेस भी चलती हैं, BSC नर्सिंग की, और यूनिवर्सिटी भी आपकी यहीं पे। अभी हम अंदर जाने वाले यूनिवर्सिटी में जहाँ पे काउंसलिंग्स आपकी चलती है। और सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो आपका सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे है, ठीक है, बैक साइड पे मैं दिखाना चाहूँगा। और बाकी आपको हॉस्टल भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या क्या है MBBS के लिए। और यहाँ पे मैं खास बात आपको बता दूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में इसका तीसरा स्थान आता है। पहले IGMC आता है, फिर आपका टांडा मेडिकल कॉलेज आता है, उसके बाद आपका AMRU यानी कि जो आपका लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, इसका आपका स्थान आता है तीसरे नंबर पर। तो बिल्कुल सारा कैंपस आपको घुमाने वाले हैं, हॉस्टल को लेकर हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं। और बाकी अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग्स आपके यहाँ मिलते जाएंगे। दोस्तों, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे अभी काउंसलिंग चलती है। ये दोस्तों अल्टीमेट कैंपस है यार, बहुत अल्टीमेट है। जैसे आप यहाँ पे MBBS करने आओगे तो एक बहुत ही सुकून भरा यहाँ पे है। और ये जो कैंपस आपका हरियाली है एकदम से, और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काउंसलिंग्स आपकी यहाँ पे चलती है, और यहीं पे आपकी BSC नर्सिंग की क्लासेज आपकी साथ में यहाँ पे चलती है। और ये कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है यार, आपको थोड़ा सा कैंपस के बारे में दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में, पूरा आपको यहाँ पे विजिट करवाएंगे। दोस्तों यही है यूनिवर्सिटी यहाँ पे, जहाँ पे काउंसलिंग्स आपकी चलती है ये, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो इसी में ऊपर से टॉप फ्लोर है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे है जहाँ पे आपकी काउंसलिंग अटेंड करने आप यहाँ पे आने वाले हो। तो गाइस, यहाँ पे तो ऐसे लिफ्ट भी है, बट हम लिफ्ट पे नहीं जाने वाले हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट करेंगे। और साथ में है जय जी मेरे साथ में, और ये भी मेरे साथ में आए हैं। एक्चुअली मेरा आईसीआर का एग्जामिनेशन भी था, हम रिव्यू के लिए भी गए थे, बट रिव्यू नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो कुछ उलझने थी बीच में तो नहीं हो पाया। तो अभी हम शाम को अभी थोड़ी देर में रिव्यू आईसीआर का रिव्यू लेने जाने वाले हैं, स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू रहता है। तो बाकी अभी थर्ड फ्लोर पे आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं थर्ड फ्लोर पे। अभी शाम के बिल्कुल 4 बजने वाले हैं, 4 बजे बंद होने वाली यूनिवर्सिटी। और बाकी हम कल आपको इसका अपडेट दे देंगे काउंसलिंग्स का, कि कैसे अभी काउंसलिंग्स होने वाली है, उसका अपडेट आपको हमें मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो बाकी चैनल का फॉलो करते जाएँ, क्योंकि मेडिकल को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा पहला चैनल है जहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है, काउंसलिंग को लेकर, आपको एग्जामिनेशन को लेकर हर एक तरह से यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके नीट के बैचेज यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, ड्रॉपर बैच, जहाँ पर हम लो कॉस्ट पे यानी कि 1000 रुपीज़ पे ड्रॉपर बैच पूरी साहब के यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए 8021984291 पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल हम वापस निकल चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिल चुके हैं काउंसलिंग को लेके, और BSC नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आयुर्वेदा हो गया, और आपका MBBS हो गया, ये जो आपके MBBS BDS की होनी है, BMS की हिमाचल प्रदेश में काउंसलिंग होनी है, इसकी सारी जानकारी हम बिल्कुल लेकर आए हैं। उसके ऊपर आपको वीडियोज़ मिलती जाएगी चैनल के माध्यम से, आपको चैनल पर अपडेट रहना है। और BSC नर्सिंग के लिए मैं लाइव जाने वाला हूँ, तो उसमें सभी को लाइव में आ जाना है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी यार कैंपस थोड़ा देख लेते हैं यार, अभी वीडियो में बने रहो, अभी कैंपस बाकी बचता है हमारा। और देखो यहाँ पे प्रशासन आपका बैठता है, AMRU का यहाँ पे प्रशासन, जो आपको बिल्डिंग साथ में दिखाई दे रही है, की सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे है आपकी, ठीक है। बहुत ही अल्टीमेट यार कैंपस हिमाचल प्रदेश में, इससे बेटर कैंपस आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा, जो कैंपस आपका यहाँ पे है, ठीक है। जो आपका कैंपस AMRU का है वो कैंपस आपको नहीं मिलेगा, अल्टीमेट कैंपस है यार यहाँ पे। और गर्मी में थोड़ी सी गर्मी यहाँ पे है, जो टेम्परेचर यहाँ पे आपका अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका हो जाता है, बट सर्दी में स्टिल यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही ठंड यहाँ पे होती है अगर टेम्परेचर की बात करें तो। ये अगर हम यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये आती है आपकी सब ट्रॉपिकल जोन में आती है। सब ट्रॉपिकल में आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का आपका टेम्परेचर रहता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहीं से आपके हॉस्टल्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ यार बहुत ही अच्छी अल्टीमेट है, अगर हिमाचल प्रदेश में अदर हम मेडिकल कॉलेजेस के कंपेरिजन यहाँ पर करें तो। MBBS BSC नर्सिंग आपके जो कोर्सेज़ यहाँ पर आपके रनिंग पे हैं, और यहाँ पर जो आपके जो भी यहाँ पर आपके डॉक्टर्स आपके जॉब करते हैं, तो उनके लिए कैंपस में यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। और ये आपके हॉस्टल जो बहुत ही अल्टीमेट है यार, और एकदम से अल्टीमेट कैंपस है, यहाँ पे खेलने का मैदान यहाँ पे है स्टूडेंट्स के लिए।
इस तरफ का कैंपस यार है आपका, ठीक है, इस तरफ कैंपस है, बाकी बहुत ही बड़ा कैंपस है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये हॉस्टल्स है सारे, सारे हॉस्टल्स से रहने की व्यवस्था यहाँ पे है, डॉक्टर्स रहते हैं जो भी इस तरफ को आपकी है, ये इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आपके रहते हैं, और इस तरफ का आपके स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स यहाँ पे आपके हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल्स आपके इस तरफ के हैं। के लिए यार यहाँ पे गाड़ी आप पार्क अच्छे से कर सकते हो कैंपस के अंदर पे, और पार्किंग के लिए कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है, जो कि अक्सर आपको एजेंसी में दिखते हैं कि वहाँ पे पार्किंग की जो सुविधाएं हैं बहुत ही कम है, एक्चुअली मैं वहाँ पे स्पेस कम है पार्किंग के लिए। स्टूडेंट्स हॉस्टल यहाँ तक आगे तक है आपके, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, और बाकी आगे की तरफ बहुत बड़ा कैंपस है यार, अभी हमें भी इसमें कम से कम 30 मिनट्स का समय लग जाएगा घूमने में, पूरा 30 मिनट का लगेगा, बाकी क्लिप्स आपको छोटी छोटी मिल रही है वीडियोज़ में, उतना लंबा तो नहीं बना पाएंगे, फिर लंबा ब्लॉग जाएगा आपका। यहाँ पे डॉक्टर्स आपके ठहरते हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं इस तरफ को, ये सारे डॉक्टर्स के हॉस्टल्स यहाँ पे हैं। ये देखिए अभी कैंपस में चले, हम हॉस्टल ही देख रहे हैं, डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स ही हैं इस तरफ आपके। ये देखिए आपका पूरा कैंपस यार, बहुत ही अल्टीमेट कैंपस है आपका यूनिवर्सिटी का, मेडिकल कॉलेज का, और यहीं पर जहाँ पर आपकी ब्लू कलर की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है आगे जाके, ये वाली बिल्डिंग्स, यहीं पर हॉस्टल ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ से हम मूव होने वाले हैं, वापस होने वाले हैं ऊपर की तरफ, और बाकी और भी कैंपस आपको यहाँ पे अभी दिखाना है। अभी आपको हमने बिल्कुल बता दिया कि हॉस्टल्स किस तरह के यहाँ पे है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यार यहाँ पे है जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए दे रही है, डॉक्टर्स के लिए दे रही है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम इसके लिए करना पड़ेगा, अगर आप इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इसके लिए परिश्रम लगता है, आपको रातों से डटना पड़ता है। देखिए यहाँ से ऊपर से हम आए थे, जो आपकी ब्लू कलर की यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, यहीं से हम आए थे, यहाँ से नीचे आपके सारे सारे हॉस्टल्स हैं डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं आगे जाके, ये स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, क्योंकि इनकी एंट्री अलग जगह से है, हम डॉक्टर्स वाली एंट्री में आए हैं, स्टूडेंट्स की एंट्री में हम नहीं जाने वाले हैं, सेम एज इट इज़ जो आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग्स, यही सेम बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगे स्टूडेंट्स के हॉस्टल के लिए, गर्ल एंड बॉयज़ दोनों के लिए। यार आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है चक्कर कभी भी आ सकता है, क्योंकि पूरी जो बॉडी है थक चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यूटी में यार हमारा काम रहता है, आपको पता है 2-3 घंटे सिर्फ सोने को मिलता है, हम स्टूडेंट्स के साथ ही लगे रहते हैं, स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने, या फिर आपकी क्वारीज होती हैं कैंपस को लेकर, कैंपस को विजिट करवा दिया जाए, तो सभी जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं चाहूँगा कुछ दिनों में आप सभी को यहाँ पे वीडियोज़ मिले कैंपस की, और जितने भी काउंसलिंग्स हिमाचल प्रदेश में होनी है वो काउंसलिंग्स आप सारी हमारे थ्रू करवा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है, क्योंकि हम कॉलेज लेवल पे आपकी जो भी दिक्कत परेशानियाँ हो उनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स की, और काउंसलिंग को लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी नहीं होती है। MBBS की बात करें, अदर काउंसलिंग्स की बात करें, ऑल इंडिया लेवल की करवाओ आप, मेडिकल कोर्सेज की, ICR की करवाओ आप, सभी बेसिस को यहाँ पर करवा सकते हो। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सपोर्ट स्टूडेंट्स का स्टूडेंट के पास आकर किया जाता है, यहाँ पे खुद हम काउंसलिंग में स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए हम खड़े होते हैं, हमारी टीम खड़ी हमेशा रहती है, तो आप सभी उसके लिए संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो काउंसलिंग के लिए 8021842911 62 42 112 पर आप संपर्क कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, हमारा अभी टारगेट है 5000 प्लस स्टूडेंट्स का, हमारे यहाँ पे नीट के 5000 प्लस स्टूडेंट्स लेने हैं अभी नेक्स्ट ईयर के लिए, 1000 फीस पे, यानी कि लो कॉस्ट पे उन्हें लेने, ताकि गरीब से गरीब बच्चा एजुकेशन कर पाए, वो उसका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो खत्म ना हो, इंजीनियर बनने का डॉक्टर बनने का सपना हो, आप सभी के पूरे हो, उसके लिए हम बैठे हैं, आपको स्टडी मटेरियल हर एक चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, बट सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, मुझे व्हाट्सएप करना है, हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हॉस्टल की तरफ जा रही हैं सारी सारी, ये नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे, जिनको कि यहाँ पे बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है, बिल्कुल 4 बज चुके हैं, 4 बजे इनका ऑफ हो जाता है, क्लासेज इनकी ऑफ हो जाती है, तो ये सारी नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो अगर आप भी नर्सिंग कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए, जिसके ऊपर कटअप वीडियो में बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए, और अलग से वीडियोज़ हमारी आने वाली है काउंसलिंग को लेकर, कितनी कटअप हमारी जाने वाली है। ये हॉस्टल की तरफ यहाँ पे चली गई है, ठीक है, ये आप इस तरफ हॉस्टल है नर्सिंग का, मे भी यहाँ पे आगे को हॉस्टल होगा लिखा होगा, बट हम नहीं जाएंगे आगे इतना, ठीक है, ये है नर्सिंग स्टूडेंट्स, देखिए मेरे को यहाँ पे कुछ जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स और अभी आपके आ रहे हैं, वाओ फैंटास्टिक यार, यहाँ पे आप आने वाले हो यार, यहाँ पे स्टोरेज में डॉक्टर्स भी आपके निकल चुके हैं बिल्कुल, और यहाँ पे वो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, जहाँ पे काउंसलिंग आपकी होती है चलती है, इसी बिल्डिंग में चलती है आपकी, बिल्कुल तो नेहर चौक के सामने है, और ऊपर है मेन गेट, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये मेन गेट है, एक्चुअली में यहीं से आपको आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, मनाली चंडीगढ़
हाईवे यहाँ पे है जिसके साथ में ये हॉस्पिटल आपका है। अभी अंदर की तरफ आपको ले जाते हैं यहाँ पे कि अंदर की तरफ आपको किस तरह का यहाँ पे कैंपस है और वो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। और ये देखो डॉक्टर्स आपके आ रहे हैं अभी और अब स्टूडेंट्स भी आपके निकल रहे हैं। ये आपका प्रशासनिक भवन यहाँ पे है, यहाँ पर जहाँ प्रशासन बैठता है और यहाँ पे आपकी ओपीडी है और इमरजेंसी आपकी यहाँ पे है। अब बात करें स्थिति में पेशेंट को यहाँ पे डायग्नोज किया जाता है इससे यहाँ पे मेन एंट्रांस आप यहाँ पे। यहीं से ही आपकी मेन एंट्री होती है, यहाँ पे आपका रिसेप्शन अंदर यहीं पे हॉस्पिटल का। तो बिल्कुल हम एंटर हो चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर में। ये देखिए कि आपका काउंटर यहाँ पे दिए गए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होती है। जैसे कोई पेशेंट आता है रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पे होती है, इससे रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे आपकी सेंट्रल फार्मेसी शॉप यहाँ पे है जहाँ पे पेशेंट जो है फ्री में दवाएँ मेडिसिन ले जा सकता है। यहाँ पे इमरजेंसी है, यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को लिया जाता है इसी के अंदर को। आपकी इमरजेंसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल आ रही है, फिर दिखाने लगो तो आपका एक घंटा निकल जाएगा इसी में पूरे कैंपस में दिखाते। तो पेशेंट्स के यहाँ पे इसी तरह का कुछ रश आपका रहता है। ये देखिए ये बिल्कुल आपका सेंटर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है। देखो यहाँ पे बैठने के लिए पेशेंट्स के लिए बनाया गया है, एक चैम्बर टाइप यहाँ पे है जहाँ पेशेंट्स आराम से बिल्कुल यहाँ पे बैठ सकता है। एक बहुत ही अच्छा है अल्टीमेट आपका कैंपस है। और बाकी अंदर तो मैं ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, बाकी बाहर से थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखाऊंगा मेन गेट से कि मेन गेट आपका किस तरह का आपका है AMRU का। और जैज़ यहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे हैं क्योंकि इनको कोई काम नहीं है सेल्फ़ी के अलावा, ये सेल्फ़ी लेते हैं अपडेट रहते हैं। इंस्टा पर बहुत ज़्यादा ये शर्मिले बेहद किस्म के इंसान हैं, ठीक है। ये देखिए शर्मा रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं, अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करते हैं और बाहर से आपको थोड़ा सा कैंपस दिखाते हैं कि बाहर से नज़र किस तरह यहाँ पर कैंपस आपका आता है, वो बाहर से आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे तो अंदर बिल्कुल सुकून है। सुकून कैसा है कि यहाँ पे AC वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी मतलब गर्मी नहीं है। बाहर से भी हमारे बाहर से बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है इस टाइम पे, यहाँ बिल्कुल ठंड है, AC लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है यहाँ पे। हम बिल्कुल यहाँ से बाहर निकल चुके हैं हॉस्पिटल से और हम जाने वाले हैं मेन गेट की तरफ। वहीं से आप हम बिल्कुल कैंपस पूरा एक बार दिखाने वाले हैं कि कैंपस एक्चुअली बाहर से दिखता कैसा है। बाकी तो अगर हम यहाँ पे टॉप में जाते हैं ना, ऊपर टॉप में, टॉप से यार कैंपस बहुत ही अल्टीमेट दिखता है। या फिर जैसे ऊपर पहाड़ों में जाए तो वहाँ से आपका एक अलग ही कॉलेज का वो नज़रिया दिखता है। बाकी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं है मंडी में, तो यही बिल्डिंग्स नज़र आने लगती है। तो एक यूनिक सी एक इसकी पहचान है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। पे बाइक जो है दो पहिया वाहन है उनको यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। बाकी गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जगह यहाँ पे पार्किंग के लिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके की है और यहाँ पे इमरजेंसी के लिए शॉर्टकट रास्ता है, इमरजेंसी पेशेंट के लिए यहाँ से शॉर्टकट गेट है। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह बनाई है, यहाँ पे जो ऊपर लॉन आपको दिख रहा है तो इस लॉन में एक्चुअली भी गाड़ी पार्क की जाती है। और ये आपका मेन गेट है AMRU का, अटल मेडिकल जो आपका कॉलेज है मंडी में, यूनिवर्सिटी है आपकी, यूनिवर्सिटी बन चुकी है यहाँ पे। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई है, गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह है। और आगे भी जो कैंपस आगे तक बहुत बड़ा ही कैंपस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपस किस तरह कैंपस आपका नज़र आता है, इस तरह कुछ कैंपस आपका नज़र आने लगता है। और ये है आपका हाईवे दिल्ली सॉरी चंडीगढ़ मनाली हाईवे है आपका। यहीं पे धर्मशाला के लिए बसेस यहीं से चलती हैं, हमीरपुर दिल्ली हरियाणा होगी। तो ये है आपका बिल्कुल मार्केट बाहर की तरफ। और यहाँ देखिए ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज। देखिए मैं आपको बता दूं और यहाँ पे आपको जो नेहर चौक है, देखो जैसे आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे मार्केट आपकी बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे आपकी, इसके साथ मंडी यहाँ से लगभग आपका 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ पे मंडी है और 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ से सुंदरनगर है जो कि बहुत बड़ी मार्केट आपकी है, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ भी आपने परचेज करा आप जा सकते हो, घूम सकते हो, मॉल में घूम सकते हो। और यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी भी मार्केट यहाँ पे नेहर चौक जो मार्केट है, मैं आपको नेहर चौक मार्केट भी घुमा लेता हूँ थोड़ा सा। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी एक शॉपिंग के लिए, तो जहाँ पे शॉपिंग भी आप कर सकते हो। तो बाकी बसेस को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आपके पास वाहन भी अपना नहीं है तो बसेज आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर चलती है, हर 10 मिनट बाद आपको हर बसेज मिलती है। एक पूरी सिटी की तरह यहाँ पे है आपका, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो यहाँ पे आपका 4 लेन बनने जा रहा है, इसका काम स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट होने वाला ही है 4 लेन का। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जाम को लेके, आप जल्दी से अगर मंडी जाना तो 15-20 मिनट में यहाँ से मंडी पहुँच जाओगे, 15-20 मिनट में सुंदरनगर पहुँच जाओगे, तो
की मार्केट यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, और दोस्त मैंने बी एस सी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे मंडी से कर रहा है, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसी हॉस्पिटल में होते हैं, ये हमारी हॉस्पिटल यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो एक अल्टीमेट जगह है आपकी, और सीखने को बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, नया कॉलेज आपका बना है, ज़्यादा भी सारे नहीं हुई है, बट अगर हम तुलना करें अदर हॉस्पिटल से यहाँ पे, तो तीसरे नंबर पे इसका रैंक आता है, और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है इस कॉलेज में। यहाँ पे साथ में कॉलेज के साथ में देखो, यहाँ पे था आपका कॉलेज, कहाँ पे था, यहाँ पे यह वो कॉलेज था, इसके साथ में दूसरी तरफ भी मार्केट है, और इस तरफ भी आपकी मार्केट यहाँ पे है, और मतलब अप्रॉक्स आपकी 1 किलोमीटर आपकी लंबी मार्केट है, जहाँ पे जिम आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने जिम ज्वाइन करने मॉर्निंग टाइम पे जिम आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी आपने एक्स्ट्रा या फिर म्यूजिक क्लासेज आपने लेनी हो, क्योंकि MBBS स्टूडेंट्स कुछ आपके शौकीन होते हैं म्यूजिक के, तो क्लासेज यहाँ पे लेते हैं, तो वो भी आप साथ में ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो MBBS की बात करूँ, यहाँ पे कर्नाटका से लेकर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कटअप आपकी हाई जाती है, ऑल इंडिया के थ्रू हाई कटअप जाती है, और दूसरी बात करें हिमाचल प्रदेश की, तीसरे नंबर पर आपका आता है, तो यहाँ पे MBBS की कटअप आपकी हाई जाती है, पहले IGMC, उसके बाद आपका टांडा, फिर आपका आता है इसी का नंबर, AMRU का आता है, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का आपका नंबर आता है। यहाँ से आगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज अभी भूख हमें लग चुकी है, हम यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट में बाहर, तो फिर हो सके तो मैं ब्लॉग शूट करूँगा, हो सके तो मैं एंड भी कर सकता हूँ, तो अभी तो देखो यहाँ पे रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चली हुई है, ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मंडी में, क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी चलती है बिल्कुल आपकी चंडीगढ़, दिल्ली हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया, चंबा हो गया, हमीरपुर हो गया, शिमला हो गया, ये सारी गाड़ी यहाँ पे यहाँ से होगी आपकी जाती है, मंडी से होकर जाती है आपकी, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक आपका बहुत ही ज़्यादा आपका है, बिल्कुल रोड अभी क्रॉस कर चुके हैं जल्दी जल्दी में, और यहीं पे देखो सामने जो है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, खाने वाले हैं इसी में, हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं, एक्चुअली बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट आपका है, एक्चुअली में यहीं पर हम खाना खाएँगे, फिर खाना खा के हम यहाँ से निकलने वाले हैं रूम की तरफ, ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, स्टोरी में चलने वाला है, तो यहीं पे मंदिर जाने वाले हैं, अभी आगे जेजी जा रहे हैं, और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है यार यहाँ पे, अभी हम खाना वगैरह खा रहे थे, यहाँ पे देखिए अल्टीमेट है यार, आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ से व्यू आपका बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा दिखता है, नेर चौक में आपका ये रेस्टोरेंट है, और जेजी यहाँ पे है, और अभी हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं, नाइस बहुत ही नाइस है यार, बहुत ही दूसरी अच्छी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है इसको जेजी को, मेन्यू में देखो जय जी क्या खाओगे आप, यहाँ पे आपका रोड के नज़ारे आप यहाँ से देख सकते हो आराम से, तो यहीं पे हम बैठे हैं आराम से, यहाँ पे जग है, पानी है, यहाँ पे मेन्यू है, और यहाँ पे जय बैठे हैं, और बैक साइड पे मैं बैठा हूँ, व्यू दिख रहा था वहाँ से वापस आ गया पीछे की तरफ, हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे एसी लगा है, और हमें लगी गर्मी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे लगा फैन साथ में, किसी लगा फैन ऊपर यहाँ पे ऊपर फैन लगाया, तो इसलिए हम यहाँ पे आए, और ऑर्डर हम दे चुके हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि ऑर्डर हमने क्या दिया है, बच्चों भी हम खाना सुबह खा चुके हैं, थोड़ी देर पहले खा चुके हैं, थोड़ी सी भूख लगी है, फिर खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से डिनर अभी करना है, तो अभी छोटा मोटा ही खाना खाएंगे, छोटू का खाना खाएंगे, छोटा मोटा नहीं खाएंगे तो पूरा खाएंगे, पर थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे डाइट में, ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मटर पनीर हमने अभी ऑर्डर किया था, और यहाँ पे तंदूरी चपाती हमने ऑर्डर की थी, और इससे पहले हम लंच टाइम पे हम खा चुके हैं आपका पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा हमने खाया है, और उसके बाद हम ये खाने वाले हैं अभी, और उसके बाद डिनर में देखते हैं हम क्या चीज़ खाते हैं, बट वो ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगी, ब्लॉग में यही आपको मिलेगा, यहाँ का व्यू यार अल्टीमेट बाहर की तरफ दिखता है, दिक्कत हो गई इसने ऐसा कर दिया कि गिलास ही चेंज कर दिया, पता नहीं चल रहा कि कौन सा किसका गिलास है कौन किसका नहीं, अब गिलास और लाएंगे, अब फिर थोड़ा खाना खाएंगे, अटैक करेंगे, अटैक के चक्कर में तो कैमरा भी हिल गया, हिल डुल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ठंडी क्योंकि हम ब्लॉग बनाने में व्यस्त थे, और शायद से सुनाई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा था यहाँ पे माइक है, तो चुका देखने की अटेंशन नहीं से, हाँ आ जाओ खाने खाना खाने जाओ, आपकी टेस्टी है भाई, ऑसम है मटर पनीर, आप जरूर यहाँ पे आइएगा, अगर नेर चौक विजिट करोगे तो यहाँ पे आपने जरूर आना है, ट्राई करना है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, क्योंकि अल्टीमेट यार खाना बनाओ है, सुबह हमने पिज़्ज़ा खाया था अपने संतुष्टि में, पिज़्ज़ा से नहीं मिली सुबह, संतुष्टि में इससे मिली इस टाइम पर, तो आप जैसे काउंसलिंग के लिए आएंगे तो जरूर आपने ट्राई करना, इससे आपकी मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग आपको भी जरूर यहाँ पर ट्राई करना,
एड्रेस पहले वीडियो में दे दिया, एड्रेस आप देख लीजिएगा। मैं रोटी ना चार ही मंगाई थी पहले, कि भूख बहुत कम है, लगता है कि हमें रोटी और मंगानी पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि टेस्टी इतना खाना बनाया उसमें रोटी हमें और मंगानी पड़ी इसके बाद। विश्रम सर अभी नहीं आए हैं, वो अभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन पे हैं, पीछे का ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन देखना पड़ता है। यार अब हम यहाँ पे मिल खा के उसके फारिक और हम जाने वाले फिर से आगे मार्केट आपको दिखाने वाले हैं। और बाहर यार बहुत ही ज़्यादा आवाजाही है वाहनों की, और बिल्कुल अभी मार्केट ही हम आप थोड़ा सा दिखाते हैं, बाकी ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर देंगे, ज़्यादा लंबा ब्लॉग आपको नहीं मिलेगा ये। अब हम एंड करने वाले हैं, अरे मेडिकल शॉप पे, पता नहीं क्या दुख तकलीफ होगी इनको, क्या लेने वाले होंगे। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा का डोमिनिक पिज़्ज़ा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हम सुबह गए डोमिनोज, यहाँ पे देखा हमने डोमिनोज होगा, फिर अंदर देखे यार तो डोमिनिक पिज़्ज़ा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठगी लगी है हमारे साथ ये चौक में। और यहीं पे हंगरी पॉइंट आपका साथ में ही है, और मार्केट ये आपकी मार्केट है रोजी गारमेंट्स, देखो यहाँ पे अल्टीमेट आप यहाँ पे शॉपिंग आप कर सकते हो, और ये आपका मेन नेर चौक है जहाँ से आपका हमीरपुर तरफ एक रोड आपका जाता है, एक सुंदरनगर के लिए जाता है, शिमला के लिए, चंडीगढ़ के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी जो मेन मंडी है यह रोड आपका मंडी की तरफ जाता है, और यहीं आके आपका अटल मेडिकल कॉलेज है, और धर्मशाला हो गया आपका, कांगड़ा हो गया आपका, चंबा हो गया, मनाली हो गया, यही रोड आपका मनाली की तरफ ले जाता है। यहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा कम्प्लेक्स है जहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की शॉप्स हैं, बाकी और भी आप यहाँ पे अगर आपने परचेज़ कुछ भी करना हो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो इस कम्प्लेक्स से। और शायद से अजय जी को मेडिकल शॉप में उनका इन्होंने जो लेनी थी मेडिसिन वो नहीं मिल पाई, तो दूसरी मेडिसिन में घुस रहे हैं यहाँ पे जाके, शायद से यहाँ पे कुछ है, क्या चीज़ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे रैली वैली चली हुई है, हम ज़रा प्रमोट नहीं करेंगे पार्टीज़ को, इलेक्शन भी हिमाचल प्रदेश में तब जाके यहाँ पे थोड़ी सी आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, आज तो बंद है शायद से, यहाँ पे कम्प्लेक्स आपका बंद है, बाकी खुला रहता है आपका, आपका मंगलवार ट्यूसडे को मार्केट नेर चौक बंद रहती है, बाकी संडे को ओपन रहती है और ट्यूसडे को बंद रहती है, और यहीं से बस आपकी मंडी की तरफ ले जाती है, और यहाँ पे आपका समीरपुर की तरफ रोड गया, या आपका सुंदरनगर शिमला की तरफ गया, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली रोड यही आपका गया, और हमीरपुर बाय हमीरपुर भी चंडीगढ़ जा सकते हैं। ये ब्लॉग मैं यहीं तक बनाने वाला हूँ, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ, बाकी वीडियोस का आप देखते जाइए और देखते हैं रिप्ति रमन के साथ इंस्पायरिंग एरिकॉन टेक चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।